विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भाजपा और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगाकर सत्ता पाने को लेकर ललायत है। भाजपा लाडली बहन योजना के नाम पर 1,000 रुपए महिलाओं के खाते में डालकर और राशि बढ़ाने की बात कर सत्ता में वापसी के पूरे प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रदेश में लोगों में भाजपा के विरोध में लहर बताकर हनुमान जी की गदा पूजन के साथ ही धार में हनुमान जी को आदिवासी बताकर सत्ता में आकर नारी सम्मान योजना के माध्यम से 1,000 रुपए हर माह सहित कई वादे कर रही है और प्रदेश में भाजपा का विरोध बताकर कांग्रेसी नेता घूम घूम कर लोगों से संपर्क कर सत्ता वापसी के प्रयास में लगे हैं। मनावर से कांग्रेस के विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक हीरा लाल अलावा का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जो सुर्खियों में बना हुआ है। इस वीडियो के विषय में हमने पूरी जानकारी भी निकाली है। वीडियो मनावर विधानसभा के ग्राम करौली का है, जहां विगत दिवस कांग्रेसी विधायक हीरा लाल अलावा गौशाला भूमि पूजन के लिए पहुंचे थे और पानी की समस्या से अवगत करा रही महिलाओं से बातचीत के दौरान एक युवक द्वारा मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने की बात को लेकर इतना चिढ़ गए, पहले तो उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और वीडियो बनाने से मना करने लगे, जिसके बाद वे गुस्से में इतने ज़्यादा तिमतिमाए दिखे और ऐसा नज़र आ रहा था कि विधायक उस पर हाथ ही उठा देते। अब कांग्रेसी विधायक की इस खीज भरी हरकत के वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है और आम लोगों को अपनी समस्याओं पर सवाल उठाना लाजमी बताते हुए कांग्रेसी विधायकों के इन आचरणों के चलते भाजपा से मुकाबले पर सवाल उठा रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए धार से रोहित श्रीवास की रिपोर्ट।